महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल समेत देश के 25 राज्यों में बारिश हो रही है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 14 लोगों की जान चली गई है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 84 लोग मारे गए हैं। इस तरह बाढ़ और भूस्खलन जैसे हादसों में अब तक 218 लोगों की जान जा चुकी है। तेलंगाना में बुधवार को रिकॉर्ड की गई 68.2 मिलीमीटर बारिश, वहीं छत्तीसगढ़ में 35.8 मिलीमीटर और महाराष्ट्र में 43 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। देश में अब तक औसत से 11% अधिक बारिश हो चुकी है। भारी बारिश की वजह से गुरुवार को ठाणे, पालघर और नवी मुंबई के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। वहीं मुंबई यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को होने वाली परीक्षाएं भी रद्द कर दी। इनकी नई तारीखों का ऐलान जल्द होगा। हालांकि मुंबई में आज स्कूल बंद नहीं किए गए हैं। आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में बुधवार को औसतन 43 मिलीमीटर बारिश हुई। गोंदिया में 15 श्रद्धालु उफनती वैन गंगा नदी के बीच स्थित एक मंदिर में फंस गए। उन्हें गुरुवार सुबह निकाल लिया गया। महाराष्ट्र के मुंबई कोंकण रीजन में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि गुजरात में 5 जिले वरसाल, नवसारी, डांग, जूनागढ़, गिरी और सोमनाथ हाई अलर्ट पर हैं। पूरे राज्य में अब तक 31,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिलों में मॉनसून सक्रिय है। बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 66 लोगों की जान जा चुकी है। तेलंगाना सरकार ने भारी बारिश को देखते हुए स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां 16 जुलाई तक बढ़ा दी है। वहीं उत्तराखंड के टिहरी जिले में उफनती गंगा नदी में 4 लोग बह गए। कोटद्वार में नदी नाले उफान पर हैं। वहीं रामनगर में बरसाती नाले में शिक्षकों की कार बह गई। स्थानीय लोगों ने 4 शिक्षकों को बचाया। कर्नाटक में गुरुवार को 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।